हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत सर यू टेक। मैं दीपक शर्मा सर, आपका मैथ्स का टीचर, और आज का वीडियो होगा हमारा पार्ट टू। टॉपिक वही है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में। तो आई होप आपने पार्ट वन जरूर देखा होगा, ठीक है। और पार्ट वन में हमने ये लगभग 8 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया था, है ना। अब जिनमें से ये देखा जाए तो आपको याद करना था मल्टीप्लिकेशन टेबल 11 से 20 तक। फिर हम लोग सेकेंड में टेबल्स जो याद आपने किया था उसके हेल्प से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इस पर हम लोग डिस्कस किए थे नंबर टू में। फिर थर्ड में हम लोग अगर कोई नंबर 20 से बड़ा है तो उसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, उससे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये सीखे थे। फिर थ्री डिजिट नंबर्स है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और अगर इस तरह का नंबर है 10, 100, 1000, 10,000 सिंपल नंबर्स इस तरह के, तो हम लोग कैसे विदाउट डूइंग एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन कैसे हम लोग आंसर लिख पाएंगे इसको समझे थे। उसी तरह से अगर मल्टीपल्स ऑफ 10 है, एक दो नंबर में से अगर एक मल्टीपल्स ऑफ 10 है तो कैसे हम लोग थोड़ा सिंपल वे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर दोनों ही 10 के मल्टीपल्स है, दोनों नंबर जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे आसानी से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी थोड़ा अपना समय कैसे बचा सकते हैं, ये चीज़ को हम लोग सीखे थे। और उसके बाद फिर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे। तो अब हम लोग उसमें से एक क्वेश्चन था 11 नंबर, जो मैंने कहा था कि नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा मैं, तो उसको मैं इस पार्ट में बताऊंगा। और उसके बाद फिर जो हमारा जो प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन के उसको समझेंगे हम लोग, फिर उसके बाद एस्टिमेट करना सीखेंगे, उसके बाद ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए एक बार हम लोग क्विकली जो अब तक सीखे हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, अगर कोई नंबर है हमारा जैसे 2, 3, 2, और इसको हम लोग किसी नंबर जैसे 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 15 का टेबल हमें याद है, तो हम लोग क्या करेंगे, 15 2 30 के लिए 0 कैरी ओवर 3, 15 3 45 and 3 48 के लिए 8 कैरी ओवर 4, एंड अगेन 15 2 30 and 4 34 हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया इसको वन स्टेप में, अगर आपको टेबल याद नहीं होता तो आप कैसे याद, कैसे आप इसको मल्टीप्लाई करते, ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करते। तो पहले आप 5 को इन तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई करते, 5 2 10 5 3 15 and 1 16 5 2 10 and 1 11, ये वाला आप क्रॉस करते हैं। फिर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 2, उसके बाद आप प्लस करते हैं 0 6 plus 2 8। आप देख रहे हैं ना, दोनों में हमारा आंसर क्या आया है, सेम आया है। यहाँ भी हमारा 3480 है, यहाँ भी 3480। तो कौन सा जल्दी है, ये जल्दी। क्यों जल्दी हुआ, क्योंकि आपको टेबल याद था। तो अगर आपको टेबल याद रहेगा आप जल्दी बना सकते हैं, नहीं याद रहेगा तो आपको थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। तो अच्छा है कि आप टेबल याद रखें 20 तक। और हम लोग क्या देखे थे कि अगर कोई एक नंबर है जैसे यही ले लेते हैं 242, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होता तो क्या करते थे, 2420। इसी नंबर को अगर हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना होता तो क्या करते थे, 100 में 20 होता है तो इसमें 20 लगा लेते हैं। इसी तरह अगर 1000 से मल्टीप्लाई करना होता था तो 30 लगा लेते थे, है ना, नंबर वही लिखना है और 30 लगा लेना है, ओके। तो इसी तरह से हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा था आप पार्ट वन में, अगर आप नहीं देखे तो ज़रूर देख लेंगे, है ना। अब हम लोग आ जाते हैं वो क्वेश्चन को जिसको हम लोग को इसमें बनाना था, क्वेश्चन नंबर 11। तो पहले थोड़ा सा ये हायर लेवल का क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग पहले अच्छे से समझेंगे, है ना, पहले रीड करेंगे अच्छे से, फिर अच्छे समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन, ये इन ए सेल, सेल मतलब क्या होता है, जैसे कई बार कुछ डिस्काउंट्स मिलते हैं, कुछ ऑफर लगता है मार्केट में तो उसको सेल कहा जाता है ना, या आप मॉल वॉल में देखे होंगे कि उसमें ऑफर लगा लग जाता है कुछ किसी डिफरेंट डिफरेंट कपड़े पर या किसी डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स पे। तो यहाँ जो भी सेल लगा है शर्ट पे और ट्राउजर्स पे लगा है ना, तो उसमें क्या सेल लगा है कि एक शर्ट का जो कॉस्ट है वो 600 है एंड ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स ₹1400। पेयर ऑफ मतलब एक शर्ट खरीदेंगे तो ₹600 और एक जोड़ा ट्राउजर खरीदेंगे तो ₹1400। हाउएवर इफ यू बाई ए पेयर शर्ट प्लस ट्राउजर, मतलब शर्ट और ट्राउजर का एक पेयर खरीदते हैं तो क्या होगा, यू हैव टू पे ₹1800, ₹1800 लगेगा। अगर आप इस सिचुएशन के हिसाब से देखें तो आपका 1400 अब प्लस 600 कितना हो रहा है, 2000 रुपीज़ ना। अगर आप अलग से एक शर्ट खरीदते हैं या ट्राउज़र खरीदते हैं तो आपको
2000 पे करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप दोनों साथ में खरीदते हैं तो आपको 1800 रुपीज पे करना पड़ रहा है, मतलब 200 का आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेल, सेल में कुछ आपको बेनिफिट्स मिल जाता है। अब कह रहा है कि हाउ मच डज ए पर्सन पे टू बाय 8 shirts and 6 trousers। अब अगर एक पर्सन को 8 shirt खरीदना है और 6 trousers खरीदना है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा इस सेल के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहां पे सीधा हिसाब है, 8 shirt का प्राइस क्या हो जाएगा, 18 into 600 हम लोग यहां पे रफ बनाते हैं, ठीक है। 8 shirt का प्राइस क्या हो जाएगा, 600 into 8 यानी 4800, और 6 trousers का 1400 into 6 8400। आप टोटल को प्लस करेंगे 8400 और 4800 को तो आपका हो जाएगा 13200, ठीक है। तो क्या 13200 आपको पे करना पड़ेगा, तो अगर आप इस सेल का बेनिफिट लेते हैं तो आपको 13200 से कम में ही आपका हो जाएगा। तो कैसे हम लोग करेंगे इसी चीज को हम लोग समझेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। हमारा क्वेश्चन सही था। लेकिन हम लोग को क्या करना है, 13200 पे नहीं करना है, हम लोग को इस सेल का जो ऑफर है उसको यूटिलाइज करना है ताकि हम लोग को कम पे करना पड़े। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए अब यहाँ पे हमारा 1 shirt और 1 trouser के लिए ₹1800 हो रहा है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो 6 shirt और 6 trouser ले लें, है ना, तो 6 pair ले लेते हैं। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं तब क्लियर होगा आपको। हियर कॉस्ट ऑफ ए पेयर, मतलब 1 pair शर्ट प्लस ट्राउजर इज इक्वल टू ₹1800, है ना। लेकिन अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 8 shirt है 6 trouser है, तो 6-6 पहले ले लेते हैं, ठीक ना। 8 shirt नहीं लेके 6 shirt लेते हैं पहले, तो 6 pair शर्ट प्लस ट्राउजर हो जाएगा 6 pairs शर्ट प्लस ट्राउजर क्या हो जाएगा ₹1800 × 6 6 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एक पेयर का कॉस्ट 1800 है, तो 6 pair के लिए हम लोगों को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 108 10800 rupees हो गया किसका, तो 6 pair शर्ट प्लस ट्राउजर। लेकिन 6 pairs तो खरीद ले, लेकिन अभी भी 2 shirt आपको, 8 shirt खरीदने हैं ना, तो 2 shirt और खरीदने हैं, तो अब 2 shirt का कॉस्ट निकालिए, अगेन कॉस्ट ऑफ 1 shirt इज इक्वल टू, अब जब आप 1 shirt खरीदेंगे तो आपको ये सेल वाला ऑफर नहीं मिलेगा, आपको ये वाला प्राइस पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। सेपरेट खरीदेंगे तो ये वाला प्राइस लोग पढ़े थे ना, सेपरेट सेपरेट खरीदेंगे तो ये प्राइस पे करना पड़ेगा, और अगर दोनों को मिलाकर खरीदते हैं तो ये प्राइस पे करना पड़ेगा। तब सेपरेट में 1 shirt आप खरीदेंगे तो ₹600 आपको पे करना पड़ेगा, और आपको कितना खरीदना है 2, क्योंकि 6 pair जब आप खरीदे यहां पे तो 6 shirt तो आपको ऑलरेडी मिल गया, 2 ही बच रहा है ना, तब 2 shirt खरीदेंगे, 2 shirt इज इक्वल टू ₹600 × 2। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 2 = 1200, ठीक है। तो आपका टोटल कितना कॉस्ट हो गया बताइए, पहले आपने 6 pair शर्ट और ट्राउजर खरीदा तो आपने 10,800 आपका लगा, और जब आपने 2 shirt अलग से खरीदा तो ₹1200 लगा, तो टोटल आपने कितना एक्सपेंस किया, तो इन दोनों को प्लस करेंगे ना, तो लिख देते हैं थस टोटल एक्सपेंस लिख देते हैं TOTAL टोटल पेमेंट डन। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से लिखते हैं, पेमेंट डन इज इक्वल टू ₹10800 + ₹1200। तो इसको जब आप प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना,
12,000। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए अच्छे से, आपको कितना पे करना पड़ा सेल का, जब आपने ऑफर यूटिलाइज किया तो आपको कितना पे करना पड़ा 12,000। और अगर आप इसका ऑफर यूटिलाइज नहीं करते, अलग अलग खरीदते हैं, तो आपको कितना पे करना पड़ता 13,200। तो देखिए तो आपको सेव हुआ ना, कितना सेव हो रहा, लगभग 1,200 सेव हो रहा है। तो ये है सेल को, सेल का जो ऑफर है उसको यूटिलाइज करने का बेनिफिट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए तब हम लोग अब आगे का टॉपिक को शुरू करते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है जो मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टीज है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद होगा, आपने पिछले क्लास में क्लास 3 में भी पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा बहुत उसी को रिवाइज कर लेंगे और थोड़ा अलग से और समझेंगे। जैसे क्लास 3 में आपको ऑर्डर प्रॉपर्टी बताया गया था। ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या होता है, वी कैन मल्टीप्लाई टू नंबर्स इन एनी ऑर्डर टू गेट द रिजल्ट। जैसे 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा 60, और 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 60 ही मिलेगा। कोई सिंपल सा नंबर ले क्या, चलिए छोटा सा नंबर लेते हैं ताकि आपको क्विकली समझ में आ जाए। 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 63, 7 9 से 63, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 63। आप क्या देखें कि दोनों ही सिचुएशन में आपको सेम आंसर आ रहा है, 63 आ रहा है ना। और डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, केवल ऑर्डर चेंज हुआ है ना, यहाँ पे 7 पहले था यहाँ बाद में हो गया, यहाँ 9 बाद में था यहाँ पहले हो गया, बस ये डिफरेंस है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर इसको हम लोग जनरल फॉर्म में बोले तो ए को बी से मल्टीप्लाई करें। अब ए क्या है, कोई भी एक नंबर को हम यहाँ पे अभी ए मान लेते हैं, एक दूसरे नंबर को बी मान लेते हैं, तो ए में बी से मल्टीप्लाई करें या बी में ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों ही सिचुएशन में हमें आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। और इसको हम लोग क्लास 3 में आपको ऑर्डर प्रॉपर्टी बताया गया था, क्लास 4 में आप ये जान लें, इसी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये आप याद रखेंगे, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जो आपने क्लास 3 में ऑर्डर प्रॉपर्टी के नाम से पढ़ा है। नेक्स्ट, रीग्रुपिंग प्रॉपर्टी। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होगा हमारा, वी कैन मल्टीप्लाई 3 या उससे भी ज्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय मेकिंग ए ग्रुप, ग्रुप बनाकर, किसी भी दो का ग्रुप या उससे ज्यादा ग्रुप बनाकर हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट हमको सेम मिलेगा। जैसे 3 × 5 × 2, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, और 2 ग्रुप हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, दो तरह से। एक क्या करेंगे, 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 15 × 2, कितना हो गया 30। अभी यह ग्रुप चेंज कर देते हैं, 5 और 2 का ग्रुप बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 × 10, और 3 × 10 से क्या होता है 30। दोनों ही सिचुएशन आपको आंसर सेम मिल रहा है, तो इसका मतलब जो हमने यहाँ पे कहा है वो सही है, किसी भी ग्रुप में बना के। अच्छा, आप क्या करते हैं, आप और ग्रुप चेंज कर लेते हैं, 3 और 2 का पहले ग्रुप बना लेते हैं और तब 5 से करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 3 × 6 × 5, तो भी क्या मिला 30 मिल रहा है। हर बार हमें क्या आंसर मिल रहा है, 30 मिल रहा है। तो किसी भी दो नंबर को पहले मल्टीप्लाई करके तीसरे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। अगर इसको और दूसरे शब्दों में कहें तो ये प्रॉपर्टी कहलाता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जिसको हम लोग रीग्रुपिंग प्रॉपर्टी के नाम से पहले पढ़े थे। जनरल फॉर्म इसका कहें तो, अगर 3 नंबर से तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है, a × b × c या a × b × c, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका नाम क्या है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये भी याद रखना है। यानी ये लॉ हम मिनिमम 3 नंबर्स के लिए यूज करते हैं, है ना। अगर 2 नंबर है तो फिर हम लोग के लिए होगा ऑर्डर प्रॉपर्टी, जिसके पहले पढ़े थे, और अगर 3 है या उससे ज्यादा नंबर है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही सिंपल है, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर एंड 1 इज द नंबर इटसेल्फ। कोई भी नंबर ले लेंगे, कोई बड़ा से बड़ा नंबर लीजिए 2123, अब इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, यही आएगा
नो चेंजेस, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। यानी हम किसी भी नंबर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा, और ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी कहलाता है, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। अब याद रखिए 1 को ही हम, इसीलिए हम लोग 1 को एक और नाम दिया गया है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता। तो आप ये याद रखेंगे कि 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, याद रखना है आपको। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, तो ये भी बहुत ईजी है। आप जानते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज 0, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, कितना भी बड़ा ले लीजिए, 15976, 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 ही होगा, ठीक है। मतलब a मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0। तो बस छोटा सा बात था जो कि आप लोगों को पहले ही से पता था, हम लोग थोड़ा और चर्चा कर लिए, और इसको याद रखना, ठीक है, भूलना नहीं। तो अब हम लोग थोड़ा सा एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, पहला नंबर 24125, 24125 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्या आना चाहिए यहाँ पे आंसर। तो हम लोग जानते हैं एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 1 गिव्स द रिजल्ट, गिव द सेम रिजल्ट। तो यहाँ पे हम लोग को सेम रिजल्ट यानी 24125 लिख देना है। यहाँ पे देखिए नंबर, यहाँ पे देखिए दोनों नंबर सेम है, तो सेम रिजल्ट कब आता है, जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ भी वही बात है, हमें ये नंबर रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब कि इसी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा। अब यहाँ पे देखिए ए इसको मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो यहाँ बी, यहाँ पे ए है, बी का कमी है तो बी लिख देते हैं, मतलब जो नंबर नहीं है उसी नंबर को यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, इक्वल्स टू का ध्यान देना है, इक्वल्स टू के लेफ्ट में और इक्वल्स टू के राइट में कौन कौन से नंबर इसी को मिलाना है। अब देखिए ये नंबर लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में भी है, लेकिन 7 जो है लेफ्ट साइड में राइट साइड में नहीं है, तो 7 को ही लिख देंगे। अब ये 5 नंबर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा। और यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू के पहले 3 नंबर्स हैं, तो 3 नंबर्स हम लोग कब यूज करते थे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, है ना, देख लीजिए एक बार, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन में 3 नंबर्स यूज करते थे। इसका मतलब कि यही हम लोग को यूज यहाँ पे करना है, 3 नंबर्स हैं यहाँ पे ए बी सी। आप यहाँ देखिए यहाँ पे सी है, ए और बी नहीं है, मतलब यहाँ पे जो खाली प्लेस है उसमें ए और बी भरना है, मतलब 217 और 195, ठीक है। इसी तरह और भी क्वेश्चंस होंगे आपके बुक में, आप उन्हें बना लेंगे। अब नेक्स्ट, अब हम लोग इसको एस्टिमेटिंग करना सीखें, प्रोडक्ट को एस्टिमेट करना सीखें। तो बेसिकली एस्टिमेट करना तो हम जानते ही हैं, अब एस्टिमेट करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो प्रोडक्ट हो जाएगा। चलिए इसको बना के एक देखते हैं, ये हमारा गिवन नंबर है, अब इसको हमको जो एस्टिमेट करना है टू द नियरेस्ट टेंस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट टेंस, तो इसको चीज को लिख देते हैं। नियरेस्ट टेंस तो क्या हो जाएगा, तो टेंस से राउंड ऑफ करने के लिए हम लोग क्या करते थे, टेंस प्लेस पे मार्क करते थे और टेंस के राइट डिजिट को चेक करते थे, है ना। तो यहाँ पे 5 है, तो आप जानते हैं कि 5 या उससे ज्यादा रहता है तो हम लोग टेंस प्लेस पे 1 ऐड करना होता है, तो ये 8 हो जाएगा, 9, और लेफ्ट में तो जो है वही रहेगा और राइट वाला 0 हो जाता है। यहाँ पे देखिए 5 से कम है तो ये 6 का 6 ही रहेगा और लास्ट में 0 हो जाएगा। और अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, बस हो गया। तो 19 6 जा होता है 114, और ये 2 0 लिख देंगे, दैट्स इट, आ गया हमारा आंसर, ठीक है। हमने क्या किया, एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। पहले हमने राउंड ऑफ किया दोनों नंबर को, और राउंड ऑफ करके उसके बाद मल्टीप्लाई किया। राउंड ऑफ कैसे किया, तो हमने देखा कि टेंस प्लेस के राइट वाला डिजिट 5 है, तो हम लोग टेंस प्लेस में 1 ऐड कर दिए, तो ये 8 9 हो गया। लेफ्ट वाला डिजिट को एज इट इज लिखना होता है और राइट वाला डिजिट 0 हो जाता है ना।
यहाँ भी देखिए लेफ्ट में कोई डिजिट नहीं है तो लेफ्ट में हम लोग कुछ नहीं लिखे, और राइट में जो डिजिट है वो 5 से कम है तो इसमें हम लोग ऐड नहीं किए, 6 का 6 हो गया और 0 हो गया 60। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, आप रफ में मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट ईयर, अब इसको हम लोग को नियरेस्ट हंड्रेड्स पे एस्टिमेट करना है ना, तो लिख देते हैं यहां पे बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। क्या हो जाएगा ये, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हंड्रेड्स प्लेस पे मार्क करेंगे, ठीक है। पहले वाले में हंड्रेड स्पेस पे भी 2 है, सेकंड में भी 2 है, उससे मतलब नहीं है, राइट साइड में डिजिट क्या है उससे चेक करना है। तो यहाँ पे 6 है तो ये 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेफ्ट वाला जो है वही रहेगा, राइट वाले सभी डिजिट 0 हो जाएंगे। यहाँ पे 2 क्या, अगर 9 है तो ये भी 3 हो जाएगा और राइट वाला डिजिट 0, लेफ्ट में कोई डिजिट ही नहीं। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग 0 को हटा के जो डिजिट है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या गया 159, तो 159 लिख दीजिए और ये जो 0 आपने छोड़ दिया था उसको यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो बस वही, हर बार हम लोग वही काम कर रहे हैं, ओके, बस प्लेसेस का थोड़ा चेंज हो रहा है, उसी पर ध्यान देना है। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू एस्टिमेशन, उसको भी कर लेते हैं। ईच पैकेट हैज 613 टॉयज, पैकेट आप समझते हैं, पैकेट में खिलौने रखे हैं, कितने खिलौने हैं, 613, हर एक पैकेट में 613 टॉयज हैं। एस्टिमेट द नंबर ऑफ टॉयज कंटेन्ड इन 302 सच पैकेट्स। अब एक पैकेट में तो 613 टॉयज हैं, अब उसी तरह कितने पैकेट्स हैं, 302 पैकेट्स हैं, तो उसमें कितने टॉयज होंगे ये हमें बताना है, लेकिन एस्टिमेट करके, मतलब राउंड ऑफ करके बताना है। तो पहले हम लोग नॉर्मल जो एक्सप्रेशन है वो बनाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टॉयज इन ए पैकेट, ठीक है ना, मल्टीप्लाई तो करेंगे लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई करना है, राउंड ऑफ करके करना है। तो अब उसी चीज को हम लोग यहाँ पे जैसे बनाए थे पिछले लिख देते हैं, बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स करना है ना, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हंड्रेड स्पेस पे 6 है, यहाँ पे 3 है, 6 के आगे 1 है, कोई चेंजेस नहीं होगा, 6 का 6 ही रहेगा और बाकी दोनों 0, यहाँ भी 3 के आगे 0 है, कोई चेंजेस नहीं होगा। अब सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, 6 में 3 से करेंगे 18, ठीक है ना, 0 रहता है तो हम लोग 0 को छोड़ के मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 जाए 18 और ये दो इधर और दो इधर, 4 0 हो गया, लिख देंगे, बहुत सिंपल था ना, तो बस इसी तरह बनाना है। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपका रह जाता है जो केस बेस्ड है, है ना, केस बेस्ड, इसमें एक छोटा सा स्टोरी है, उस स्टोरी के बेस पे हमें एक या दो क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करना है। तो देखिए पहले पढ़ते हैं स्टोरी को। मिस्टर शर्मा परचेज्ड 600 नोटबुक्स फॉर ₹20 ईच। मिसेस शर्मा है, शर्मा जी की मिसेस, परचेज करती हैं, खरीदती हैं, क्या खरीदती हैं, 600 नोटबुक्स, नोटबुक्स आप समझते हैं जिनमें आप लिखते हैं अपना क्वेश्चन आंसर्स। अब एक का कीमत था ₹60, चलिए ये हो गया। अब क्या करती है कि आउट ऑफ दिस जो इन्होंने 600 नोटबुक्स खरीदा है उनमें से शी डिस्ट्रीब्यूटेड 575 नोटबुक्स अमंग पुअर एंड नीडी चिल्ड्रन। 600 कॉपी खरीदा मिसेस शर्मा ने, शर्मा जी ने, और उसमें से 575 जो कॉपी है उसको बांट दिया। किसको बांटा, तो जो गरीब थे या जिनको जरूरत थी बांट दिया। अब हमें इस सिचुएशन के बेस पे कुछ क्वेश्चन है उनका आंसर करना है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
पहला है व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ नोटबुक्स शी परचेज्ड, जो वो नोटबुक्स खरीदी हैं 600 उनका कॉस्ट कितना है। तो आंसर द कॉस्ट ऑफ नोटबुक्स शी परचेज्ड इज इक्वल टू, अब यहां पे हम लोग सिंपल वे में करेंगे, कितना कर देती 600 और एक का कितना कॉस्ट था 20, तो मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, 600 खरीदी है ना 20 रुपये के हिसाब से, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 600 इन 20, 6 टू 12 और ये 30 रुपीज़ 12,000 कॉस्ट उनको लगा 600 नोटबुक्स खरीदने में। अब उनमें जो बांटी है उनका कितना कॉस्ट था, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ नोटबुक्स शी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसका आंसर कैसे देंगे, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक्स शी डिस्ट्रीब्यूटेड तो कितना बांटी है 575 बांटी है, तो 575 का कॉस्ट निकालिए, कॉस्ट तो वही 20 रुपये, सब में सबका कॉस्ट 20 रुपये ही है, सब नोटबुक्स का कॉस्ट 20 रुपये है, तो 20 रुपये से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर लीजिए मल्टीप्लाई। अब आप यहाँ पे रफ में कर सकते हैं 575 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 5 10, 2 7 14 एंड 115, 2 5 10 एंड 111, ठीक है ना, हमने 0 को रिमूव करके मल्टीप्लाई कर लिया कितना है 1150। अब ये 0 जो हमने यहाँ पे हटाया था वो यहाँ पे लिख देंगे, हो गया 11,500 कॉस्ट का कॉपी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है और खरीदा है 12,000 कॉस्ट का कॉपी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो क्या क्या हमने सीखा एक बार छोटा सा चर्चा कर लेते हैं, हम लोग प्रॉपर्टीज को जाने, इस वीडियो में मुख्यतः हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा की, जिसमें पहला था ऑर्डर प्रॉपर्टी और इसी को हम लोग कॉम्पिटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी कहते थे, और इसमें क्या होता है कि हम लोग किसी भी ऑर्डर में दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग रीग्रुपिंग प्रॉपर्टी को जाने, जिसमें हम लोग जाने कि अगर हम लोग तीन या उससे ज़्यादा नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो किसी भी दो को पहले मल्टीप्लाई करके तीसरे से या चौथे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन को जाने, और हम ये भी जाने कि वन को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, है ना, किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करने पर वन ही, आई मीन द नंबर इट्सेल्फ ही आता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ जीरो जाने, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कि किसी नंबर को जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस की एस्टिमेट करना सीखें, और इसी के साथ हमारा एक केस बेस्ड क्वेश्चन भी किए, और इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।